अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ और वो है पाइपिंग बनाने का तरीका, जो पाइपिंग फॉर केक डेकोरेशन के लिए होता है, तो वो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो टेक एनी प्लास्टिक कवर, आई हैव टेकिंग दिस टाइप ऑफ कवर, ये जैसे कि हमारे घर पर शॉपर आती है ना इस तरह की, तो ये बिल्कुल आपने न्यू लेनी है, ख़राब नहीं होनी चाहिए। इस तरह की शॉपर लेके इसे दोनों साइड पर ना आपने इस तरह से कट कर देना, और कट करने के बाद आपको इस थैली को पूरा खोल देना है, इस वाले कवर को पूरा खोल देना है, और कवर को खोलने के बाद इसे बिल्कुल सीधा रख देना है, और फिर इसे आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। इस तरह से फोल्ड करना है कि इसका साइड वाला एरिया ना पूरा फोल्ड नहीं करना है, कि साइड वाला एरिया इस तरह से रह जाए, और अब इस साइड को पूरा कट कर देना है, पूरे एंड तक इसे कट करना है। अच्छे से कट कर लीजिएगा कि ये इसके जो है लाइनिंग इधर उधर ना हो जाए। अब ये हमारा जो है इस तरह से कट हो गया है, और इसके अब ये हमारे पास दो साइड आ गए हैं, इसके टू पीसेस बन गए। अब एक पीस को क्या करना है, इस तरह का आप अखबार ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, या तो फिर इस तरह का आपने सादा पेपर लेना है, और इसे जो है ना इसके कोने पे ना इस तरह से आपने ये रख देना है, और इस्त्री की मदद से ना आप इसे प्रेस कर लेंगे। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये प्लास्टिक के ऊपर ना लगे, अगर ये प्लास्टिक के ऊपर इस्त्री हो गई तो प्लास्टिक ये पूरा जल जाएगा, तो ये पाइपिंग सही से नहीं बन पाएगी। पहले आपने ये इस तरह से रखना है कागज़, और इसे आराम आराम से आपने इस्त्री करना है। आप इसे अच्छे से इस्त्री कीजिएगा कि ये बंद ना हो जाए, कि ये खुले ना, इसका साइड भी कोई खुला हुआ ना नज़र आए। अंदर से आप जो है ना हाथ डाल के देख लीजिएगा। अब ये इस साइड को आपने ना थोड़ा सा कोने कोने से ना आपने इसे कट कर लेना है, अच्छे से इस साइड को कट कर लीजिए, और इसे आप जो है अंदर से इस तरह से आप फिंगर रख के देख लीजिएगा कि कहीं ये खुल तो नहीं रहा। अगर खुल रहा है तो वापस से उसी प्रोसीजर को कीजिएगा, और उसके बाद जब ये हमारा बन जाएगा तो ये सेकंड वाला जो है ना, ये भी मैंने इस तरह से ही किया है। इसे भी यहाँ पर आपने कागज़ रखना है या न्यूज़पेपर रखना है, और वापस से इस तरह से आपने इस्त्री कर लेना है, इसे प्रेस कर लेना है। और एक ये भी बात नोट कीजिएगा कि ये आपके जो है ना इस्त्री ये सिर्फ वन नंबर पे होनी चाहिए, ये नहीं आप थ्री पे फोर पे कर दें और आपका जो है प्लास्टिक जल जाए जी। और ये जो इस तरह है ना, जब हमने ये किया तो आपने इस साइड को पूरा कट कर लेना है, और इस तरह का शेप हमारे पास आ जाएगा। इसको भी इसी तरह से आपने करना है। तो ये मैंने चार बना लिए थे, दो तीन बनाए हैं हमने इस तरह से, तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो आपको बाहर से पाइपिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप बहुत आसानी से बहुत सारी पाइपिंग, अगर आपके पास इस तरह का कवर हो प्लास्टिक कवर, तो आप लोग घर बैठे भी बहुत ज़बरदस्त प्लास्टिक पाइपिंग, आप इस तरह की पाइपिंग बना सकते हैं, और बिल्कुल उसी तरह ही बनती है ये पाइपिंग जैसे आप बाहर से लेते हैं फॉर केक डेकोरेशन के लिए। अब आपने क्या करना है, जब ये हो जाएगा तो इसका जो ऊपर वाला साइड है वहाँ से आपने इसे कट कर लेना है, और कट करने के बाद इस तरह से हमारी पाइपिंग जो है रेडी हो जाएगी। और अब इसमें ये करना है कि आप जैसे नीचे नोज़ल लगाएंगे ना, नोज़ल से ये आपने क्या करना है, छोटा सा कट इसके जो है ना नीचे टिप पर कट लगा दीजिएगा, तो वहाँ पर आप अच्छे से नोज़ल लगा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त पाइपिंग हमारी जो है बन चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।